ये देखो, ये है हमारी किचन की छत। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं कुकू को बिल्कुल अभी छोड़ के आ रही हूँ स्कूल से। और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ सब्जी की भरमार लगी हुई है, भर भर की सब्जी लग गई छत में गाइज। तो फाइनली सब्जियाँ लग चुकी है, जैसे मैंने आपको कहा था। तो अभी 2 दिन पहले इतनी इतनी सब्जियाँ थी, आज तीसरा दिन है ना। तो ग्रोथ देखो सब्जी की कितनी अच्छी हो रही है, तोरी भी इतनी बढ़िया हो रही है, लौकी, मतलब घर पे हम सब्जियां जो लगी हुई हैं अभी हम फिलहाल यही खाएंगे। ये देखो गाइस, देख रहे हो तोरी, देख रहे हो भाई कितनी सब्जी लगी हुई है। ये देखो एक तोरी यहाँ है, बेलों के अंदर छिपी हुई भी है। ये देखो तोरी, तोरी इतनी सब्जी लगी हुई है ना गाइस, इस एरिया में तो इतनी सब्जी लगी हुई है। और अभी उस एरिया में लगी है, वहाँ ऊपर ऊपर वाले छत में भी लगी हुई है सब्जियाँ ही सब्जियाँ। इस देख रहे हो, दो दो तीन तीन तोरियाँ, मतलब एक एक बेल में काफ़ी लगी हुई है भाई। ये भी बहुत है, ये देखो इस वाली बेल में एक है, क्योंकि देखो बेल कितनी छोटी है। लेकिन भाई ये देखो ऊपर भी गाइस दबाव के तोरियाँ लगी हुई, लेकिन मैं अभी ऊपर नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को यहीं से दिखा रही हूँ। तोरी की बेल देख ही रहूँगा तब समझ लो कि तोरियाँ कितनी लग रही हैं। और इसमें फूल देखो, ज़रा फूल लगे हैं तो तोरियाँ भी लगेंगी भाई। दिनों आज तीसरे दिन में इतनी अच्छी ग्रोथ आई, क्यों? क्योंकि मम्मी जी बेचारी रोज़ मेहनत कर रही है। मम्मी जी सुबह भी पानी डाल रही है, शाम को भी पानी डाल रही है। तो भाई सब्जी ऐसे खाने को नहीं मिलती गाइस, मेहनत करेंगे तभी मिलेगा। लेकिन पापा जी आजकल थोड़ा बिजी रहते हैं, तो मम्मी जी कर रही है आजकल सब कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ, किचन की छत भी दिखाती हूँ आपको गाइस। मैं आपको किचन वाली छत भी दिखा देती हूँ तसल्ली के लिए। पहले ना मुझे ना ये दरवाजे को ज़रा अच्छे से टाइट कर देती हूँ, यहाँ पर ना एक तार लानी पड़ती है, क्योंकि तो मैं भी किचन की छत में जा रही हूँ। कहीं आप सोच रहे, मैं आपको एक टेरेस दिखा रही हूँ। ये देखो, ये है हमारी किचन की छत। ये देखो यहाँ पर तोरी की बेल लगी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखो, ओ भाई सच में यार गाइस, ये तो गजब हो गया, गजब। यहाँ देखो ना, ओहो, और इसमें ना खीरे की बेल है। अभी मुझे इसमें खीरा एक भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं कोशिश करूँगी पहले ध्यान से ढूंढने की, कहीं खीरा दिख रहा है क्या। देख रहे हो गाइस सब्जियाँ ही सब्जियाँ। और अभी तो प्याज निकालने की बारी, मम्मी जी ने एक तरफ के प्याज तो निकाल ली थी, कुछ प्याज यहाँ बचे हुए हैं। यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा फूल। तो फटाफट से नीचे जो भी काम है कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि गुगिया भी सो रही है। तो गाइस काम मैंने सारा कर लिया है, मैं नहा लेती हूँ पहले फटाफट जाके, भी सो रही है वो। गुड मॉर्निंग गुगू, देखो गाइस गुगी उठ गई। ओ ये तो रोना शुरू, हाँ बोलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये गूगल से बात करने की कोशिश कर रही सुबह सुबह। गुगा नाश्ता तो मैंने बना दिया गाइस, बस अब नाश्ता करते हैं, कॉफ़ी बनाती हूँ पहले। नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, तुम पहले नाश्ता कर लो। ये तो मैं चुप कराती हूँ, सभी सुसु करती हूँ। गुगी मेरे साथ अभी नाश्ता करेगी, अपने पापा के साथ नहीं करती, मेरे साथ ही नाश्ता करती है वो। तो अभी मैं उसके पहले कपड़े चेंज करती हूँ। आज मुझे नहलाना भी है उसे, क्योंकि मुझे एक दिन छोड़कर नहला रही, क्योंकि अभी मुझे और गुगी को सेम जुकाम लगा हुआ है और बुखार भी था अब। कल तो खैर मैंने भी दवाई खाई, उसको तो दवाई चली रही है। खैर तो अभी उसके लिए टीवी लगाएंगे, क्योंकि टीवी देखती हूँ, उसका तो रूटीन है। सुबह थोड़ा बहुत वो गाने सुनती है, उसके बाद वो नहाएगी धोएगी फिर खेलेगी कूदेगी, उसके बाद फिर वो सो जाएगी। आज गुगू की फीस भी जमा करनी है स्कूल की, तो बेबी पहले इसको स्कूल जाएंगे, फीस जमा करेंगे, उसके बाद काम भी जाएंगे, है ना। तो गाइस नाश्ता भी हो गया है, अब मैं फटाफट से पहले गुगी को नहलाती हूँ, क्योंकि मैं बाथरूम में ऊपर नल खोल के आ रखी हूँ। और इसके नहलाने के बाद क्या है कि इसको फिर आने वाली है नींद, तो मैं सोच रही थी कि पहले क्यों ना से नहला दूँ, क्योंकि 11 भी बज गए, तो इसी अभी ये सो जाएगी, तभी जाके मैं खाना भी बना पाऊंगी। और ये रहे गुगी के कपड़े, गुगी ये रहे आपके कपड़े, चलो अब नहा लेते हैं फटाफट से, ठीक है, वरना बाल्टी भर जाएगी, अब पानी गिर जाएगा गुगा। गाइस देखो मैंने गुगी को नहला दिया है, और इसने इतना हंगामा मजा के रखा कि मैं क्या बताऊँ, पापा जी भी ऊपर आ गए थे। अभी बाहर टीवी लगाओ, टीवी देख रही है, मजा आया। ये बच्चे तो बहुत शैतान होते जा रहा है दिन पर दिन, बहुत शोर मचाता है यार। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं अभी पहले कढ़ी बना देती हूँ, उसके बाद चावल आराम से चढ़ाऊंगी, क्योंकि गुगी अभी टीवी देख रही है अंदर, अभी सोई नहीं हूँ, बस नहाने के बाद सो जाती है। ये देखो अभी बर्तन पड़े हुए मेरे धोने के लिए, पहले मैं इनको धोऊंगी। पास देखो गाइस दही पड़ी हुई है थोड़ी, तो दही इसी दही की बनाऊंगी मैं कड़ी। और जो ये दूध बचा हुआ है, ये दूध जमाने रख दूंगी, इसको जमाने के रख दूंगी, इसमें डालूंगी एक चम्मच दही, इसको थोड़ा सा गुनगुना करना पड़ेगा, फ्रिज में था नहीं, तो थोड़ी देर बाहर ही निकाल के रखती हूँ मैं। बनाएंगे हम कड़ी, पहले बेसन निकाल लेती हूँ पकौड़ी में। तो मुझे पकौड़ियों के लिए प्याज काटने हैं अभी।
गाइस अब बनाएंगे कड़ी। मेरा तेल गर्म था इसलिए मैंने एक अच्छी तेल डाल दिया इसमें। देखिए तो मुझे पानी आ गया मुँह में, यहाँ देखो गरम गरम पकौड़े। मैंने अभी कुकिंग के लिए मैंने अभी टीवी लगा रखा था अंदर, अब इसकी आवाज़ आ रही पीछे से, मुझे उससे लेके आना पड़ेगा मुझे। अब तो मैं कड़ी छोंक देती हूँ फटाफट से, फिर मैं उसे पकड़ लूँगी आराम से। गाइस कुकू भी आ गई स्कूल से। गुगी और कुकू को देते हैं हम कड़ी चावल। पापा ने तो खा लिया, कह रहे कड़ी चावल आज। फोन आया था पापा, कह रहे भंडारा था कि कहीं पे कि मैंने खा लिया खाना की। तो गाइस मैंने बेबी की वजह से ही बनाई थी कड़ी, क्योंकि वो कल बोल रहे थे कड़ी बनाना, कल मैंने बनाई नहीं तो मैंने बनाई। तो उनको फोन आया कि एक मंदिर में कहीं मणिमाई मंदिर है, तो काफ़ी जाना माना मंदिर है वो, तो वहाँ हो रहा था भंडारा लोग, क्योंकि वहाँ भंडारा करते रहते हैं। तो बेबी को फोन आया कि मैंने यहाँ भंडारा खा लिया और कड़ी ही चावल बन रखा था वहाँ भी। मैंने कहा मैंने भी कड़ी चावल बनाया था, तो कोई नहीं चलो उनकी इच्छा पूरी हो गई है। चलो मैं खाना लगा रही हूँ पहले, ठीक है। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ चाय। ये देखो जैसे कि मैं अंदर से अभी मैं सो रही थी ना, जैसे मैं सो गई थी मम्मी जी को देखो, पहले मम्मी जी पर तोरियाँ तोड़ के लेके आई, जिससे मैंने आपको बताया था सुबह कि आज तोरी बनने वाली सब्जी, सब्जी क्या शाम की सब्जी, आज हम यही खाने वाले हैं तोरी। देखो भाई इतनी सारी तोरियाँ घर में जब हो रही है तो फिर बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है, कह रहे बाहर से खाना लाओ, घर की फ्रेश फ्रेश सब्जी खाएंगे आज। ये देखो कह रहे हैं कि बाहर का खाना खाएंगे, पर बाहर का खाना नहीं खाएंगे आज, हम फ्रेश फ्रेश तोरी बनाएंगे आज, हम ये खाएंगे तोरी। चलो पहले चाय बनाते हैं, पहले गाइस चाय बना दी मम्मी। गाइस देखो मैंने तोरी छीलनी शुरू कर दी, तो गाइस आज देखो घर की तोरी सब्जी बनेगी और मम्मी जी का डब्बा वहीं पड़ा हुआ मम्मी जी से। तो गाइस आज घर की ऑर्गेनिक सब्जियां बन रही हैं, तो आज सब्जी में भी मजा आने वाला है गाइस। तो बस आज का ब्लॉग करते हैं एंड, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।